नमस्कार, मैं हूं देवांशी मित्रा। पुलवामा के अवंतीपुर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। 40 जवानों के शहीद होने के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है और लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। वही सरकार ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान से दो दो हाथ करने की सेना को छूट भी दे दी है। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। तो वही पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। आईएसआई के काम करने के तरीकों से वाकिफ और जानकार लोगों का मानना है कि मुनीर आईएसआई चीफ बनने से पहले पाक सेना के उत्तरी एरिया के कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो जम्मू कश्मीर के बारे में मुनीर को अच्छी जानकारी है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो मुनीर की पोस्टिंग पाकिस्तानी सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा ने की है। नियुक्ति के बाद से ही वो खुद को साबित करने के लिए एक मौके की तलाश में था और मौका मिलते ही अपने जनरल की आंखों में हीरो बनने के चक्कर में जल्लाद बन गया, 40 जवानों को शहीद कर गया। आप सबको मालूम है कि हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएसआई को इस संगठन के जरिए घाटी में हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पुलवामा हमले की छानबीन में जुटी एनआईए और खुफिया एजेंसियों की माने तो आईएसआई फरवरी के पहले हफ्ते में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के एक साल पूरा होने पर हमला करवाना चाहता था। हालांकि बेहतर तैयारी नहीं होने के कारण आईएसआई ने अपना खतरनाक खेल थोड़े दिनों के लिए टाल दिया था। भारतीय रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो सीआरपीएफ पर यह हमला सुनियोजित हमला था, जिसे केवल सावधानी पूर्वक योजना और ट्रेनिंग के जरिए ही अंजाम दिया जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि इस हमले में नए आईएसआई चीफ की भूमिका है। हमले के जरिए मुनीर ने अपने बॉस बाजवा की नजरों में खुद को साबित किया है। उत्तरी एरिया के कमांडर होने के नाते वो कश्मीर से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो आसानी से इस हमले की योजना बनाने में सफल रहे। वहीं एक और बात हम आपको बीच में बताते चले कि मुजाहिर कौमी मूवमेंट के चीफ अल्ताफ हुसैन की माने तो ये हमला आईएसआई ने ही किया है। अल्ताफ हुसैन से बेहतर पाकिस्तान और आईएसआई को कौन जानता है। सीआरपीएफ, उसके लोग जा रहे थे, उस पर हमला कराया, जिसने हमला किया उसने अपना जो तालिबान का स्टाइल है, और ये स्टाइल तालिबान का नहीं है, ये आईएसआई ने तालिबान को सिखाया है कि खुदकश पहले उसका बयान लो कि मैं मारने जा रहा हूं, मैं हमला करने जा रहा हूं, और फिर ये कबूल करते हैं कि हाँ ये इसकी जिम्मेदारी हम ले। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही जैश ए मोहम्मद को काफी आर्थिक और कई तरह की मदद मिल रही है। आपको मालूम हो कि पाकिस्तान में पिछले साल हुए चुनावों में पहले जैश ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिस अभियान के तहत जैश ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान और इस्लाम का गद्दार बताया था। पंजाब के कई इलाकों में जैश ने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी के पक्ष में अभियान चलाया और लोगों को कहा कि वो इमरान खान को वोट दे। और जैसे ही इमरान खान की सरकार बनी, जैश के नेटवर्क और फाइनेंस में भारी इजाफा होने लगा। जैश ने लश्करे तैयबा जैसे दूसरे आतंकी समूहों के साथ भी गठबंधन किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने 2002 में इस संगठन को बैन कर दिया था, लेकिन अमेरिकी रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ये संगठन अभी भी खुलेआम अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
विश्लेषकों की माने तो पिछले साल हुए चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी को हराने के लिए पाकिस्तानी सेना ने दोनों जैश और लश्कर ए तैयबा संगठनों का इस्तेमाल किया था। जो भी हो, मामला काफी गंभीर है और इसका असर दूर तक जाएगा। हो सकता है कि भारत इतनी आसानी से अपने जवानों की शहादत को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका परिणाम पाकिस्तान के लिए दर्द भरा होगा। पाकिस्तान! पाकिस्तान!